समूचे देश भर में 25 अगस्त से लेकर 8 सितंबर तक राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा मनाया जा रहा है। राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़े के अवसर पर हम उपचार योग्य अंधता के लिए के उन्मूलन के लिए आप सभी के बीच में जागरूकता बढ़ाने के लिए आए हैं। और आप लोगों को पता होगा कि समूचे विश्व भर में हर 5 सेकंड में एक वयस्क व्यक्ति अंधता का शिकार हो रहा है। हर मिनट एक बच्चा अंधता से ग्रसित हो रहा है पूरे वर्ल्ड में। और जैसा कि आदरणीय डॉक्टर गजेंद्र सर ने बताया, पूरे विश्व भर में 4 करोड़ व्यक्ति अंधता से पीड़ित हैं, जिसमें से 2 करोड़ व्यक्ति भारतीय हैं, यानी कि हर दूसरा अंधा व्यक्ति भारतीय है। एवरी सेकंड ब्लाइंड पर्सन ऑफ द वर्ल्ड इज एन इंडियन। आज हमने चंद्रयान को चंद्रमा छोड़कर इतना बड़ा इतिहास रचा है, लेकिन हमें सामूहिक प्रयासों से अंधता के कलंक को मिटाना पड़ेगा। जो ब्लाइंडनेस का जो कर्स है उसको हम सामूहिक प्रयासों से मिटा सकते हैं। अब हम जानते हैं आंख के बारे में। आंख हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, और इसमें जो सबसे 4 महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो एक होता है कॉर्निया, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया, डॉक्टर मेरे साहब ने। कॉर्निया एक ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर होता है, घड़ी का कांच होता है, और उसके पीछे आप देख रहे हैं आयरिस दिख रहा है आपको, जिसके कारण आपका रंग भूरा या नीला होता है या काला होता है, तो आयरिस होता है वो। कॉर्निया ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर से घड़ी का कांच होता है। दूसरा है हमारा लेंस, लेंस भी ट्रांसपेरेंट होता है, और जब लेंस की ट्रांसपेरेंसी समाप्त हो जाती है या प्रभावित होती है तो उसे क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम कैटरेक्ट यानी मोतियाबिंद। जब आंख का लेंस की पारदर्शिता समाप्त हो जाती है तो उसे हम कैटरेक्ट कहते हैं। तीसरा स्ट्रक्चर है आंख का, जिसे हम बोलते हैं आंख का पर्दा, इसे रेटिना। और चौथा स्ट्रक्चर है आंख की नस यानी दृष्टि तंत्रिका, ऑप्टिक नर्व, जो आपको आंख विट्रियस फ्लूइड है, और ये आपका आई है जो इस प्रकार से दिखती है, और 4 पार्ट मैंने बताया आपको। आंख की जो टोटल पावर 60 डायोप्टर पावर में से 44 डायोप्टर 44 डायोप्टर कॉर्निया कंट्रीब्यूट करता है, और 14 डायोप्टर लेंस कंट्रीब्यूट करता है, और शेष जो 80% लर्निंग। यदि आप आंखें बंद कर लें 30 सेकंड के लिए तो जीवन में कितना अंधेरा है इसकी कल्पना करना मुश्किल है। और जो व्यक्ति अंधे पैदा हुए हैं बिकॉज ऑफ एनी रीजन, चाहे किसी को कॉर्निया ब्लाइंडनेस है, उनकी जीवन की कल्पना कर सकते हैं कि उनकी जीवन कितना अंधेरा है। और हम नेत्रदान करके अपनी आंखों के माध्यम से अपनी मृत्यु के बाद भी देख सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कोटा, जो कि शिक्षा की काशी कहा जाता है, कोटा एक ऐसा शहर जो देश का सबसे युवा शहर है, यहाँ 2 लाख से अधिक बच्चे कोचिंग करने के आते हैं। कोटा वो शहर है जिसने रक्तदान के क्षेत्र में अपनी पहचान भारत भर में बनाई है। उस शहर को आइए हम सब मिलकर नेत्रदान के क्षेत्र में एक नई पहचान दिलाने के लिए कार्य करें। और नेत्रदान के बारे में जैसा कि मैंने बताया, पूरे वर्ल्ड में 4 करोड़ लोग ब्लाइंड, सबसे ज्यादा ब्लाइंड लोग भारत में निवास करते हैं। ये हमारे लिए बहुत एक कलंक है, और इस अंधता के कलंक को मिटाने के लिए हमें सामूहिक प्रयासों से, सामूहिक जागरूकता से कार्य करना पड़ेगा। और हमारे धर्म शास्त्रों ने भी अंगदान को महिमा मंडित किया है। जैसा कि डॉक्टर संजय सर ने बताया कि ऋषि दादीश ने अपनी अस्थियों का दान किया था, और ऋषि दादीश की अस्थियों से जो वृद्ध बना था उससे वृद्धासुर मारा गया था। तो ये अंगदान और शरीर दान का महत्व शास्त्र संबंध है। आप लोगों ने महाभारत देखी होगी, महाभारत में धृतराष्ट्र जो होते हैं वो जन्म से ही अंधे होते हैं। उनको शायद मोस्ट लाइकली कॉर्निया ब्लाइंडनेस हो सकती थी। अगर उस समय कॉर्निया ट्रांसप्लांटेशन का अगर सर्जरी उनकी हो जाती आंखों की, तो शायद महाभारत को टाला जा सकता। तो अंधदान नेत्रदान की ये बड़ी महत्ता है। और हमारे देश की नहीं, विश्व भर की जितनी भी प्रमुख सेलिब्रिटीज हैं, जो स्पोर्ट्स पर्सन हैं, उन्होंने भी नेत्रदान मुहिम को सपोर्ट किया है। अमिताभ बच्चन से लेकर रजनीकांत, ऐश्वर्या राय, इन सभी ने नेत्रदान के मुहिम से इन्होंने अपने आप को जोड़ा है। और जैसा कि आपको बताया है कि कॉर्निया जो होता है ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर होता है, और नेत्रदान में कॉर्निया उसकी भी निकाली जाती है, पूरी आंख नहीं निकाली जाती है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। और इसके साथ साथ
आप देखेंगे उसकी वजह से भी कॉर्निया खराब हो जाता है। कई लोगों की आंखें चूना से भी खराब हो जाती हैं। तो ये कॉर्निया ट्रांसप्लांटेशन की एक विधि है जो इस वीडियो के माध्यम से आप देख रहे हैं। कॉर्निया ट्रांसप्लांटेशन किस प्रकार से होता है, किस प्रकार से कॉर्निया ट्रांसप्लांट किया जाता है, तो सबसे पहले आप इस वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं कि कॉर्निया ट्रांसप्लांटेशन जब बोल जाता है आई विंग को बोल जाता है तो इस प्रकार से आई विंग टीम आती है और टीम जो होती है वो सबसे पहले आँख में बीटाडीन डालती है ताकि एसेप्टिक प्रिकॉशन से कॉर्निया को ले जा सके। ये बीटाडीन ड्रॉप डाली जा रही है आँख के अंदर और बीटाडीन के बाद थोड़ा साफ किया जा रहा है। जैसा कि डॉक्टर गुंजरसन ने बताया कि जब भी आप नेत्रदान को के लिए फ़ोन करते हैं तो उसके लिए तो फ़ोन करते हैं हम आप द्वारा चला दें, पंखा बंद कर दें और 6 घंटे के अंदर ये आप देख लें किस प्रकार से रिंग निकाली गई है, पूरा पूरी आँख निकाली जाती है और केवल रिम निकाली जाती है और उस रिम को एमपी मीडिया यानी गुलाबी मीडिया में उसको भर दिया डाल दिया जाता है और उसके बाद ये आई बैंक में इसको भेजा जाता है। आई बैंक में वहाँ से इसकी ग्रेडिंग होती है, इवॉल्यूशन होता है, कॉर्निया की ग्रेडिंग होती है, कॉर्निया किस टाइप के रिसर्च के लिए है या ट्रांसप्लांटेशन के लिए, जिन कॉर्निया की सेल काउंट अच्छी होती है यानी कि अच्छी एक्सीलेंट होती है उसको यंग हम कॉर्निया ट्रांसप्लांटेशन यूज में लेते हैं और जिन कॉर्निया की सेल अच्छी होती है उन्हें हम रिसर्च के लिए थेरेपेटिक ट्रांसप्लांट के लिए यूज लेते हैं। तो ये एक पुनीत कार्य है, ये पुनीत कार्य केवल और केवल दान के माध्यम से ही संभव हो सकता है क्योंकि लेबोरेटरी में कॉर्निया भी बनाया जा रहा है लेकिन उसका इतना यूज नहीं इतना कि हमारा ह्यूमन कॉर्निया का यूज है। अब हम नेक्स्ट ट्रांसप्लांट किया जाता है, ये एक 3 साल की बच्ची है जिसकी आँख का कॉर्निया चोट लगने के कारण सफ़ेद हो चुका है। आप देख रहे हैं 3 साल की बच्ची है जिसका कॉर्निया पूरा सफ़ेद हो चुका है जिसको मेडिकल भाषा में हम लोग बोलते हैं ल्यूकोमाटस कॉर्नियल ओपेसिटी, जिसको कॉर्नियल ओपेसिटी हो चुकी है। अब इसकी आँखों में रोशनी लाने का केवल एक ही उपाय है, वो है कॉर्निया ट्रांसप्लांटेशन। तो आप देख रहे हैं कि प्रकार ऑपरेशन के माध्यम से जो कॉर्निया खराब हो चुका है, जो कॉर्निया अपनी पारदर्शिता खो चुका है उसको निकाला जा रहा है और उसके बाद जो उस कॉर्निया को जो दान का कॉर्निया है उसको यहाँ लगाया जाएगा। तो ये एक प्रोसीजर है, ये एक ऑपरेशन है जो लगभग 1 घंटे में संपन्न होगा और इसमें इस ऑपरेशन को जनरल एनेस्थीसिया से ग्रहण किया जाता है। ये देखना आपकी कॉर्निया है जो कि दान की एक आँख का कॉर्निया है और इसमें एक विशेष प्रकार की ट्रिफाइन के माध्यम से 8.5 मिलीमीटर का ग्राफ्ट काटा जा रहा है और ये काटने के बाद में ये ट्रांसप्लांट टिश्यू देख रहे हैं आपकी कॉर्निया दान किया हुआ कॉर्निया है और इस कॉर्निया को इसमें एमके मीडिया में स्टोर किया गया है। अब उसके बाद में जो बच्ची का जो खराब कॉर्निया है जो अपनी पारदर्शिता खो चुका है जो पूरा एकदम सफ़ेद हो चुका है, अब जैसा कि मैंने बताया कि सफ़ेद हो से कॉर्निया के बाद द्वारा देखना संभव नहीं है क्योंकि आँख में जिस प्रकार से एक घड़ी का कांच पूरा सफ़ेद स्टिचिंग करके इसको अपनी जगह चिपकाया जा रहा है और उसके बाद लगभग 3 से 6 महीने बाद फ्यूचर को धीरे धीरे करके निकाल दिया जाता है और उसके बाद इस बच्ची को रोशनी कॉर्निया ट्रांसप्लांटेशन के द्वारा मिल चुकी है। और ऐसे अनेक बच्चे हैं जिनका बचपन अंधकार में बीत रहा है। कई बच्चे ऐसे हैं भारत में जिनकी दोनों आँखों को खराब है, जिनके जीवन में अंधेरा अंधेरा है और उन बच्चों को कॉर्निया ट्रांसप्लांटेशन से बुद्धि प्रत्यारोपण से नई रोशनी मिल सकती है। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण संदेश आज नेत्रदान पखवाड़े के अवसर पर मैं आप सभी बच्चों से ये गुजारिश करना चाहता हूँ, आप इस मुहिम को घर घर तक पहुँचाएँ, अपने माता पिता को बताएं, अपने परिजनों को बताएं। जब भी कभी कोई ऐसी घटना होती है कि जब कोई आसपास मृत्यु होती है तो आप उनको कन्विंस करें, आप उन्हें फ़ोन करते हैं आई बैंक सोसाइटी और राजस्थान कोटा सेक्टर को फ़ोन करते हैं और हम हमारी टीम आके कॉर्निया को लेगी और उसको कॉर्निया को निकालेगी। और मेडिकल साइंस में आज का थैंक यू सो मच।